क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी हमने यही प्रूव करना है, प्रूव दैट ईच ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशेस। वैनिशेस मतलब गायब हो जाना, मींस हमने ये जो सारे डिटर्मिनेंट है उसको इक्वल टू ज़ीरो करना, ठीक है। सारे पार्ट्स में हमने डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है, और ज़ीरो प्रूव करने के लिए वही वाली बात जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन किया, कोई सी भी दो रोज़ या कोई सी भी दो कॉलम्स को हम सेम कर देंगे, ठीक है। अब ये पहला पार्ट देखो, बी सी सी ए ए बी, वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी। अब जैसे कि शो हो रहा है कि अगर हम दूसरी रो को, ठीक है ना, या फिर पहली रो को, जिससे भी करना, ठीक है ना, या दूसरी रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दो रो सेम हो जाएंगी, ठीक है, या फिर रो वन को ए बी सी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों आप कर सकते हो, या तो रो टू को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर रो वन को ए बी सी से डिवाइड कर दो, दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रो वन को ए बी सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए बी सी से डिवाइड करा, यहाँ पे बी सी कट के वन ओवर ए, इधर वन ओवर बी, इधर वन ओवर सी। अब क्या हुआ, रो वन और रो टू सेम आ गई, सो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट जाहिर बात है ए बी सी है, और हमारे पास ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है ए बी सी की कि जिसे हम इसको ज़ीरो बना सकें, ठीक है, इसलिए इनको जो ज़ीरो बनाने का तरीका वो यही है कि कोई सी भी दो रोज़ या कोई सी भी दो कॉलम्स को हम सेम कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई सी भी दो रोज़ या कोई से भी दो कॉलम सेम आ जाएँ तो डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है ये मेरे पास, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें या तीनों रोज़ ऐड कर दो, ठीक है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों रोज़ ऐड कर दो, रो वन में तीनों रो ऐड कर दो, ये भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, या तीनों कॉलम्स पहले कॉलम में ऐड कर लो, या तीनों रोज़ पहली रो में कर लो, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर हम ऐड करते हैं, ये ए से कटा, माइनस बी प्लस बी से कटा, माइनस सी प्लस सी से कटा, इधर ज़ीरो आ गया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, बी ये वाला बी इस माइनस बी से कटा, ये वाला माइनस सी इस प्लस सी से कटा, ये माइनस ए इस प्लस ए से कटा, इधर के आ गया ज़ीरो। सेम इसी तरह ही ये प्लस सी माइनस सी, ये माइनस ए, ये प्लस बी, ये माइनस बी और ये प्लस बी, पूरा एक कॉलम क्या आ गया, ज़ीरो आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगाते रो वाला तो मेरे पास पहली पूरी रो ज़ीरो आ जानी थी, ठीक है, मैंने कॉलम वाला लगाया तो पूरी पहला कॉलम ज़ीरो आ गया। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कोई सा भी रो या कोई सा भी एक कॉलम ज़ीरो हो जाए तो आंसर ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाले पार्ट में भी जैसे कि साफ ज़ाहिर है कि अगर हम तीसरे कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, अगर हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो बाहर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने डिवाइड किया था तो बाहर मैंने मल्टीप्लाई, ये आपने लाजमी करना है, ये नहीं भूलना, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तीसरी जो कॉलम है उसको हम ए बी सी से, ये मेरे पास है, ठीक है ना, ए बी सी से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे, बी सी कटेगा, ए स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी ए कटेगा, बी स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी कटेगा, सी स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे दो कॉलम्स सेम आ गए, अब कोई से भी दो कॉलम या कोई से भी दो रो सेम आ जाती हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो। सो मेरे पास क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला हमें पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है ना, ये हमें फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता है। तो यहाँ पे देखो, साइन स्केयर कॉस स्केयर है, साइन स्केयर फाई कॉस स्केयर फाई है, यहाँ पे साइन स्केयर फाई, सॉरी ये थीटा है, ये फाई है और ये साई है, साइन स्केयर साई कॉस स्केयर साई, ठीक है। सो ये मैं ऑपरेशन लगा दूँगी, सी वन और सी थ्री को ऐड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास वन 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 बन गया, तो कोई से भी दो कॉलम सेम आ गए, डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें,
फिफ्थ पार्ट में मेरे पास फार्मूला है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है, ये मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है और इधर कॉस स्क्वायर अल्फा है, इधर साइन स्क्वायर बीटा, इधर कॉस स्क्वायर बीटा, इधर साइन स्क्वायर गामा, इधर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। फार्मूले में मेरे पास ऐसे आता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले कॉस है फिर माइनस साइन है, सो मैं क्या करूँगी सी थ्री को फिर पहले करूँगी, सी थ्री पे ऑपरेशन लगाऊँगी क्योंकि पहले कॉस है और साइन नेगेटिव का, इसलिए सी थ्री माइनस सी वन करेंगे, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा कॉस टू अल्फा, इधर कॉस टू बीटा, इधर कॉस टू गामा। अब ये दो कॉलम्स सेम आ गए और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है।